हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि आप, क्योंकि अगर आप पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं मेरे से तो आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करना ज़रूर आना चाहिए, टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग करना। और इनफैक्ट जब आप रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कैरेटिन करते हैं तब भी हम स्ट्रेटनर चलाते हैं। तो किस तरीके से स्ट्रेटनर चलाते हैं आज हम इस वीडियो में। तो जैसे कि आप बिफ़ोर देख सकते हैं इनके हेयर को और आफ्टर स्ट्रेटनिंग के बाद आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, हमने ओनली स्ट्रेटनिंग करी है और ना तो उनके बालों में कैरेटीन है ना स्मूथनिंग है। लेकिन अगर आप किसी की टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग करते हैं तो इतनी ही फिनिशिंग से स्ट्रेटनिंग आनी चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पे तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबा देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन भी दबाना है। तो चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पर ये शो कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि जब भी आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आप इस तरीके से सेक्शंस बनाएंगे। देखिए, जब भी आप हेयर का कोई भी काम करेंगे, चाहे आप हेयर स्टाइल बना रहे हों, चाहे आप हेयर कटिंग कर रहे हों, इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बहुत अच्छे से सेक्शंस को बना लें, क्योंकि सेक्शन जब आप बनाते हैं उसके बाद ही हेयर का काम अच्छा होता है। और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे पीछे से। जब भी आप स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पीछे से करना होता है। और यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ ये मेरा VNG का स्ट्रेटनर है और ये काफ़ी पुराना मेरा स्ट्रेटनर है और बहुत अच्छा मुझे ये लगता है। ये प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है और आप घर पे भी अगर चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रेटनिंग हम इसको जब यूज़ करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि इसमें जो इसके जो फ्लैट है इसका ब्रश, तो इसीलिए इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद आप छोटे छोटे सेक्शंस निकालेंगे। हालांकि अगर हम जब टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग में एक्चुअली जब भी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस निकालते हैं, लेकिन जब हम कैरेटीन या आप टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं अपने क्लाइंट के, या अपने मतलब टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है कि शैम्पू जब तक आप नहीं करेंगे अपने बालों में तब तक वो आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, तो उसमें आप हल्के से मोटे 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 सेक्शंस भी निकाल के स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और हमेशा आप को 5 से 6 बार स्ट्रेटनिंग एक ही सेक्शन के बालों में करनी होती है, तभी वो शाइन आती है बालों में, अच्छे से स्ट्रेट होते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपको इसी तरीके से स्ट्रेट करने हैं। और कभी अगर क्लाइंट के बालों में से थोड़ा सा ऐसे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है धुआं सा हो रहा है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि बालों में कोई कंडीशनर या शैम्पू लगा रह गया या कोई केमिकल लगा रह गया इसीलिए ऐसा दिखता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटनिंग करना है सेक्शंस निकाल निकाल के। सबसे पहले आप पीछे के बालों को करेंगे, दोनों सेक्शन जो हमने 4 बेसिक सेक्शन बनाए थे, आगे के 2 और पीछे के 2, तो दोनों को आप क्लियर कर लेंगे, सेक्शंस निकालते जाएंगे। आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप आगे का स्टार्ट करेंगे, आगे का सबसे पहला एक सेक्शन करेंगे, उसके बाद आप दूसरा सेक्शन करेंगे। अच्छा, आप ना एक कॉम्ब भी इस तरीके से एक कॉम्ब भी आप स्ट्रेटनिंग जब कर रहे हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं नीचे से, और हल्का सा प्रेस जब आप करेंगे तो आप टाइट हाथों से करेंगे। मेक श्योर कि क्लाइंट के बाल जलने नहीं चाहिए, और टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे या 220 पे। मैं यहाँ पर 220 पर करके दिखाया है मैंने। और ये VNG का जो स्ट्रेटनर है ये अपने आप ही ऑटोमेटिक है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो खुद ही ये कट ऑफ हो जाता है। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि कितने फाइन बाल लग रहे हैं। हमने एक सेक्शन कर लिया आगे के, फिर दूसरे सेक्शन पर आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे इस तरीके से हमने कॉम को लगा रखा है, और इसलिए हमने कॉम को लगाया है क्योंकि प्रेसिंग अच्छे से होती है जब भी आप इस तरीके से कॉम करते हैं। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि किस क्या मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाह रही हूँ। आपको कम से कम आपको 5 से 6 बार एक ही सेक्शन के बालों में हेयर में स्ट्रेटनिंग करनी है। अगर आपके कोई क्लाइंट टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग कराने आया है तो आप सीरम अप्लाई करके और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने शैम्पू कब किया था, उसके बाद शैम्पू करा दिया या कंडीशनर करा दिया, उसके बाद आप
सीरम अप्लाई करें तो अच्छे से स्ट्रेटनिंग होती है। और यहाँ पे हमने पूरे बालों में, पीछे के भी हो गया, आगे के में चल रहा है, मैंने कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बस आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। और आप हल्के से मोटे मोटे सेक्शंस को भी ले सकते हैं। जब आप प्रेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आगे की प्रेसिंग बहुत अच्छे से हो। और इस तरीके से आपकी पूरी प्रेसिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपको मैंने बिफ़ोर भी दिखाया था कि कैसे, मतलब इनके किस तरीके से बाल थे। और मैं बता दूं कि ना तो बालों में केराटिन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस उन्होंने हाईलाइट्स कराया है और इस तरीके से बाल हमने स्ट्रेट करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। जब भी आप स्ट्रेटनिंग करें तो सेक्शंस निकाल के करें, 4 बेसिक सेक्शंस निकालें। और 4 बेसिक सेक्शन के बाद आप पीछे सबसे पहले कर लें, दोनों सेक्शंस को कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप आगे के सेक्शंस को करिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं। सो या गाइस, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा आज का स्ट्रेटनिंग की क्लास। क्योंकि अगर आप टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग सीख जाएंगे, स्ट्रेटनिंग करना सीख जाएंगे, तो आप बालों में केराटिन, रिबॉन्डिंग या बालों में कोई भी केमिकल काम या स्ट्रेटनिंग तो टेम्परेरी आप खुद भी कर सकते हैं अपने बालों में। और क्लाइंट तो कराता ही है, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ट्रेंड में है। सो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड तक। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। और फिर से याद दिला दूँ चलते चलते कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।